हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटिल ग्रोथ। आज हम आपको टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं, मकर संक्रांति खिचड़ी। खिचड़ी न होती तो सम्राट नहीं बनते, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य ने बताई थी सही रेसिपी। मकर संक्रांति खिचड़ी। खिचड़ी का ही प्रभाव था कि चंद्रगुप्त ने विदेशी आक्रांताओं को खदेड़ दिया था। सिकंदर और सेल्यूकस को हराने वाले चंद्रगुप्त के राज्य में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जाता था। पटना मकर संक्रांति खिचड़ी। मकर संक्रांति के पर्व पर खिचड़ी का अपना अलग ही महत्व है। प्राचीन काल से ही खिचड़ी को आरोग्य का भोजन बताया गया है। कहते हैं कि मनुष्य इतना भाग्यवान है कि उसके नसीब में खिचड़ी है। यह भोजन तो स्वर्ग के देवताओं को भी नहीं मिलता है, उन्हें तो सिर्फ घी और अग्नि में दिए गए होम से ही भूख शांत करनी होती है। बिहार में खिचड़ी की बात होती है तो मामला इतिहास तक चला जाता है। इतिहास यानी बात तब की, जब बिहार में मगध साम्राज्य हुआ करता था। इसी मगध से खिचड़ी का एक इतिहास जुड़ा हुआ है। चाणक्य ने खाई थी सौगंध। हुआ ये कि जब मगध शासक घनानंद ने आचार्य चाणक्य का अपमान किया तो उन्होंने शिखा खोल ली और घनानंद के सर्वनाश की सौगंध खा ली। उन्होंने इसके लिए चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया। इसके बाद गुरु शिष्य दोनों ही मगध की ईंटें हिलाने निकल पड़े। चंद्रगुप्त ने लगभग 5000 घोड़ों की छोर सेना बना ली थी। सेना लेकर उन्होंने एक दिन भोर के समय ही मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। चाणक्य धनानंद की सेना और किलेबंदी का आकलन नहीं कर पाए और दोपहर से पहले ही धनानंद की सेना ने चंद्रगुप्त और उसके सहयोगियों को बुरी तरह मारा और खदेड़ दिया। चंद्रगुप्त को हटना पड़ा पीछे। उस रोज चंद्रगुप्त जान बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा। चंद्रगुप्त चाणक्य वेश बदल कर घूम रहे थे और बिखरी हुई शक्ति को फिर से संगठित करने में जुटे हुए थे। वो किसी भी स्थान पर एक रात से अधिक नहीं ठहरते थे। वेश बदलने के लिए भिक्षाटन का सहारा ले रखा था। इसी क्रम में वे गांव के बाहर एक वृद्धा के घर रुके हुए थे। बूढ़ी माता ने अतिथि का सत्कार किया और भोजन के लिए खिचड़ी बनाई। थाली के बीच गड्ढा कर उन्होंने घी डाल दिया और गर्मा गर्म खिचड़ी चंद्रगुप्त और चाणक्य के सामने परोस दी। खिचड़ी से खुली बुद्धि घी को मिलाने के लिए चंद्रगुप्त ने जैसे ही थाली के बीच हाथ डाला तो उनकी उंगलियां जल गईं। बूढ़ी माँ ने बालक समझकर चंद्रगुप्त को डपट दिया, मूर्ख हो क्या, खिचड़ी गर्म है, पहले किनारे से खाओ फिर बीच तक पहुँचना। चंद्रगुप्त ने ऐसा ही किया और चाणक्य समझ गए कि आगे भी ऐसा ही करना है। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, समझ गए गलती कहाँ हुई, हमें सीधे पाटलिपुत्र पर आक्रमण नहीं करना है बल्कि पहले किनारों को जीतना है। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने वृद्धा को गुरु मानकर उनके पैर छुए और फिर पाटलिपुत्र के किनारे वाले राज्यों को जीतना शुरू किया। इतिहास बना गई वृद्धा की खिचड़ी। इतिहास कहता है कि चंद्रगुप्त ने मगध पर आक्रमण के 6 युद्ध हारे थे, लेकिन 7वें युद्ध से उसकी जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ वो कभी नहीं रुका। चंद्रगुप्त हर युद्ध जीतता रहा और फिर उसने मगध के निरंकुश शासक का नाश कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। खिचड़ी का ही प्रभाव था कि चंद्रगुप्त ने विदेशी आक्रांताओं को भी खदेड़ा। सिकंदर और सेल्यूकस को हराने वाले चंद्रगुप्त के राज्य में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जाता था। इतिहास की ये दास्तां बताती है कि सामान्य सी दिखने वाली खिचड़ी राज्यों के निर्माण में भी मुख्य भूमिका निभाती रही है। चाणक्य ने बताई रेसिपी। चाणक्य ने भी खिचड़ी को संतुलित आहार बताया है। चाणक्य के अनुसार एक भाग चावल, एक चौथाई भाग दाल, हल्का नमक और घी के साथ खिचड़ी खाना फायदेमंद होता है। इस तरह की खिचड़ी पोषकल तत्वों से भरपूर होती है। यह सुपाच्य होती है और इसे कभी भी खाया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।